भगवान शंकर उस पर, पूरी दुनिया में एक महादेव जिस पर बिजली गिरती है वो बिजली महादेव। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर है कहाँ, हम कहते हैं बिजली महादेव जाकर देखिए, और हाथी को भी साथ ले जाओ और सूंड से तुड़वा कर देखो शिवलिंग को, वहां बिजली महादेव विराजमान। ऐसी कौन सी भूमि है जहां शिव नहीं है? शंकर कण कण में बसता है हर जगह पर, ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां शिव नहीं। शंकर सर्वस्व है महाराज। दुनिया के लोग शमशान जाते हैं तो घर पे आकर नहाते हैं, वो शमशान की राख अपने ऊपर लपेटता है तो वही करोड़ों की कर देता है, वही करोड़ों की हो जाती है। तो लोग भजन में कहते हैं ना, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, कुबेर का खजाना भी उसकी भस्म में रमा हुआ है, भस्म में रमा सहज। बहुत सरल देवता है मेरा भोलेनाथ, बहुत सहज देव है मेरा भोलेनाथ। लोटा भर के पानी चढ़ाओ, बम बम बोलो, आनंद में बैठो, अलमस्त है। शंकर जैसा दयालु दुनिया में नहीं होगा, भस्मी रमाने वाला जटाजूट अपनी अर्धंग में रहता है, वो अपनी मस्ती में, और जो मस्ती में रहता है वो कभी भी कुछ भी दे सकता है, जो मस्ती में है वो कुछ भी दे सकता है, मस्त आनंद। महाराज मुकेश भी, हम तो आपको धन्यवाद देंगे बहुत बहुत, जो माघ के महीने में आपका अग्रवाल परिवार पूरा बैठ कर इस कथा का जो रसास्वादन कराया उसके लिए धन्यवाद है। माघ महीने ये शिव की करुणा है पूरे परिवार पर, शिव की सहजता नहीं है महाराज। दुनिया के लोग सोचते रह जाते हैं शिव पुराण कराएंगे, शिव पुराण कराएंगे, भागवत करा लेते हैं, राम कथा करा लेते हैं, पर शिव कथा कराना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और हम तो आपसे भी कहेंगे बाबा विश्वनाथ अगर आपको खूब दे, मेरा महंकाल बाबा शंकर के दरवाजे पर, वो महाराज वो एक नेता जी हैं जिन गुजरात छोड़कर चुनाव भी लड़ने गए तो विश्वनाथ की नगरी में गए, क्योंकि उनको भी मालूम था कि दुनिया में एक ही दे सकता है जो बिना सोचे दे सकता है, उसके सिवा कोई जगत में दूसरा बाप नहीं है जिसके दरवाजे पे, नहीं तो वो द्वारका में द्वारकाधीश के दरवाजे पे जाके चुनाव लड़ लेते, कहीं दूसरी जगह चले जाते, पर नहीं, उनको भी मालूम था कि दुनिया में अगर अर्भंग देने वाला है जो बिना सोचे उठाकर दे देगा और वो एक ही हो सकता है, वो मेरा शंकर ही हो सकता है, उसको भी मालूम था, इसलिए वहां से गए विश्वनाथ की नगरी में कि तू देगा, तेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ब्रह्मा देंगे तो सोचकर, विष्णु देंगे तो सोचकर, इंद्र देगा तो सोचकर, जगत जननी जगदम्बा देगी तो सोचकर, पर बाबा भोलेनाथ जिस दिन बैठ गया अपनी मस्ती में और तुम पहुंच गए पानी का लोटा लेकर, उस दिन अकेला बैठा था और तुमने जाकर कह दिया, मन से दिल से भाव से कह दिया, शंकर जी उसी दिन कह दिए अब जा, हो गया कल्याण, काहे को चिंता करता, मैं बैठा जा, हो चक्कर ये उसी में कहा ले। उज्जैन में पांच गंजेड़ी बैठे गांजा पी रहे थे, चिलम लगा रहे थे, और चिलम लगाए एक दूसरे, चिलम वालों की बड़ी प्रेम देखना तुम, ये पीने करने वाले जो नशेले होते ना इनमें बहुत प्रेम होता है दादा, इतना प्रेम, ये एक दूसरे के पीछे प्राण निकाल दे, एक ही चिलम से तू भी लगा ले, तू भी दम खींच, तू भी दम खींच, तू भी दम खींच, और फिर राउंड लेकर यहीं आ जा, फिर दम, इतने में भगवान भोलेनाथ उज्जैन में घूम रहे थे, उन्होंने कहा हम भी बैठ जाए दम लगाने, वो भी बैठ गए, लग गए सब दूर से चढ़ती चढ़ती, शंकर भगवान के पास दम पहुंची, शंकर जी ने लगाई, पास वाले ने पूछी चढ़ी, फिर घूमी, फिर आई चढ़ी, शंकर को चढ़े गए, फिर घूम के आई चढ़ी, सबको चढ़ गई इनके नहीं चढ़ी, फिर घूम के आई चढ़ी, शंकर भगवान बोले हमें चढ़ी नहीं सकती क्योंकि हम तो शंकर, इतने में पांचों उठ के बोले अब चढ़ी, अब चढ़ी, जब खुद को शंकर कहने लगे तो समझ गए चढ़ गए, अब चढ़ी, ये विश्वनाथ है, ये मेरा शंभू, मेरा दयालु, मेरा शंकर है महाराज।
सारे खजाने उसके पास, गणेश उसके पास, रिद्धि सिद्धि उसके पास, श्री उसके पास, तुष्टि पुष्टि उसके पास, संतोषी उसके पास, अमोद प्रमोद उसके पास में, सारी दुनिया के जितने रिश्ते संबंध सब अच्छे अच्छे उसके पास में। बाकी क्या, भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी अकेली, उसके पास में रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धियां जिसके पास में हो, स्वयं तुष्टि पुष्टि जिसके पास में हो, जिसके पास में श्री स्वयं विराजमान हो, वो सुख। उसके बराबर कौन होगा? सुख मूल, उसके बराबर सहजता, वो मूल है। कहे ना, रावण को दे दी सोने की लंका, महाराज स्वयं विराने में बसता है, अलमस्त रहता है। बमा बम भोले शंकर गले में नाग है, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी, भोले बाबा शंभू बाबा, भोले बाबा जय हो, भोले शंकर में नाग भयंकर।
सदविद्या सब शंकर ही देता है। काल का भी हरण वही महाकाल कर लेता है। शास्त्र कह रहा है सती मैया का विवाह शिव जी के साथ हो गया। सती माता अगस्त बाबा की यहां कथा सुनने के लिए, राम कथा में आपने सुना होगा, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। अगस्त बाबा के यहाँ गए तो कुंभज ऋषि उठकर खड़े हो गए, प्रणाम करा। सती जी को लगा ये कथा वाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। भैया देखो, कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है। वाचने वाला बड़ा होता है कि सुनने वाला बड़ा होता है? जम के बोलो, कौन बड़ा है? सुनने वाला बड़ा, वाचने वाला कभी बड़ा नहीं होता। कथा बाचने वाला तो आया है तो 3 घंटे कथा बाचेगा, सुनने वाला तो अपना घर परिवार काम धंधा बिजनेस सब छोड़ के 3 घंटा कथा में बैठा है, इसलिए बड़ा होता है सुनने वाला। बड़ा सुन, कथा सुनने वाला बड़ा, और सुनने वाला बड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो जमीन पर बैठ के कथा को सुनता है। तो जो जमीन पर बैठता है वो सब जमींदार, तुम सब जमींदार, और कथा बाचने वाला तो बेचारा चार पाई की चौकी पे बैठे इसलिए चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? जमींदार बड़ा, क्योंकि जमींदार की मर्जी, बैठा तो बैठा नहीं तो उठ के चले गया। कई कई जमींदार तो ऐसे हैं कि पाँव भी लंबा कर ले, बेचारा चौकीदार तो एक जैसा बैठा है ड्यूटी निभा रहा है। और जमींदार का मन, कई कई जमींदार तो इतने चतुर होते हैं जेब में से निकाल के कथा के बीच में मल भी लेते हैं। महाराज कई जमींदार और कथा के बीच में जैसी महाराज जी ने भजन गाए ने फटकी भी मार ले, और जैसी महाराज जी बोले हा महादेव, बड़े होशियार जमींदार होते महाराज। बेचारा चौकीदार तो बेटा, महाराज राष्ट्र के 2 चौकीदार एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हुए हैं हथौले बंदूक लेकर, जो भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं, और एक भारत के संत महात्मा कथाकार, इनके हाथ में हथगोले बंदूक नहीं, भागवत रामायण शिव पुराण जैसे गोले हैं। ये भारत की भूमि की नहीं, भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि संस्कार होंगे तो ये राष्ट्र को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। संस्कार, हम पहले भी आपको कहे, बच्चों को कार मत दिलाओ, कार दिलाओगे बच्चे बेचकर खा जाएंगे। बच्चों को दिलाना है तो श्रेष्ठ संस्कार दिलाओ, तो कार लाइन लगी रहेगी कारों की, अगर संस्कार होंगे तो कार भी शोभा देती है, नहीं तो कार भी शोभा नहीं देती। महाराज श्रेष्ठ संस्कार, कुछ अच्छा दीजिए, अच्छा प्रदान करिए। सती मैया का मन नहीं लगा कथा में, गई बाबा भोलेनाथ जी ने राम जी का दर्शन करा, परीक्षा ली, शिव जी ने मन से त्याग दिया। आखिरी में दक्ष प्रजापति की यहां पर भगवान भूत बामन भूतेश्वर विराज सभा रखी है, शंकर जी उसमें जाकर बैठे। शिव जब
बैठे दक्ष प्रजापति जब आए तो प्रणाम नहीं करा, सबने प्रणाम करा, शंकर नहीं करे। ये दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं, अगर एक प्रणाम नहीं करे तो वही दिखता है किसने प्रणाम नहीं करा, बाकी के सबने तो करा ना, बहुत ही होता नहीं, इसने क्यों नहीं करा। ये कहीं कहीं अहंकार व्यक्ति कर दिया, प्रणाम नहीं किया, क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने कहा, शंकर तुम मेरे जमाई होकर तुमने मेरा आदर नहीं करा, प्रणाम नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। अभी आपको कथा में कहा था, शमशान जहां सबकी शान सम है उसका नाम शमशान है। अमीर भी जाए तो बांस पर, गरीब भी जाए तो बांस पर, सबकी शान बराबर। तब उसी समय पर नंदी ने श्राप दे दिया, नंदी ने कहा, भोलेनाथ को तुमने श्राप दिया है दक्ष प्रजापति, में आपको श्राप देता हूं कि आपको बकरे का मुंह लग जाए। किसका मुंह लग जाए? बकरे। और जब फिर यज्ञ रखा, सारे देवताओं को बुलाया पर शंकर को नहीं बुलाया, शिवराम से मिले। सती मैया गई, यज्ञ की अग्नि में कूद कर माता सती प्राणों को त्याग, सती यज्ञ की अग्नि में, सती प्राणों को त्यागी। और प्राण जब माता सती के गए, शंकर को क्रोध आया, बाबा भोलेनाथ ये जो भस्मी शंकर रमाते हैं काई के लिए लगाते हैं भस्मी, क्योंकि भगवान शंकर की धर्म पत्नी माता सती यज्ञ की अग्नि में कूद कर भस्म हो गई थी। उनके शव को भगवान शंकर ने अपने धड़ पर लिया, तांडव किया, जहां पांव रखते वो पृथ्वी नीचे दब जाती। भगवान विष्णु ने देखा ये तो बड़ा क्रोध कर रहे हैं, नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा, माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, 52 शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। और जब वो शक्ति पीठ भी बन गए तो थोड़ा धड़ बच गया, तब भगवान उसी समय नारायण ने उस शव को भस्मी कर लिया, भस्म में बदल दिया। शंकर जी ने वो भस्म लेकर अपने शरीर पर धारण कर ली, अपनी अर्धांगनी की याद में भस्म शिव आज भी रमा, सती की याद। नंदी का श्राप पूरा करा, देवताओं ने जाकर दक्ष प्रजापति के लिए विनती करी, शंकर जी ने बकरे का मुंह लगाया अपने ससुर को, काय का मुंह लगाया? बकरे, बकरे का मुंह लग गया तो दक्ष प्रजापति ने शंकर की स्तुति करी। अब बकरा हिंदी में स्तुति करता है, संस्कृत में स्तुति करता है क्या? बकरा कैसे बोलता है? अब जो बकरा बाबा बाबा बोला, शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है। शंकर भगवान ने कह दिया, जो मेरे मंदिर में आके बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया। जो बोलेगा बम, भोलेनाथ जी कहे मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया। उस दिन से नियम हो गया, शंकर के मंदिर में लोग क्या बोलते हैं, जब गंगा भर के ले जाते, कावड़ी ले जाते, क्या बोलते हैं? बम बम, क्योंकि शंकर जी समझ जाते हैं कि मेरा ससुर आया। कई माताएं जाके बम बम बोलती, शंकर जी समझ जाते हैं मेरी सास भी आई है। अब भोलेनाथ समझ जाए, शिव ओघड़ी शंकर दयाल। सती माता जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज की कन्या पार्वती बनकर जन्मी है। क्या नाम पड़ा? पार्वती। हिमालय राज की दो लड़कियां थी, पहली लड़की है हिमालय राज की बड़ी बेटी गंगा और दूसरी है पार्वती।